अब बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन किस तरीके का है और वहाँ से नैनीताल के लिए टैक्सी कैसे मिलती है। अभी सामने आपको शताब्दी दिख रही है और सामने आप देख सकते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। जैसे एक नंबर प्लेटफॉर्म है, दो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सामने आपको शताब्दी दिख रही है जो कि दिल्ली जाती है, और जैसे ही आप नीचे उतरेंगे सामने आपको ज़्यादा बड़ा इतना बड़ा स्टेशन नहीं है। बाहर उतरते ही देखिए मुश्किल से अप्रॉक्स 15 मीटर जैसे ही आप बाहर आएंगे एक नंबर प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाएंगे आप। ये रोड दिखाई दे रहा है और इसी रोड के अगल बगल ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। देखिए सामने आपको टैक्सीज दिखाई दे रही होंगी, ये सामने बाहर लगी हुई है। और यहाँ से अगर नैनीताल की डिस्टेंस की बात करूँ तो अप्रॉक्स 35 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। सामने आपको टैक्सीज वगैरह दिख रही हैं, ये टैक्सीज लगी हुई है। आपको नैनीताल, अल्मोड़ा, भीमताल या कहीं भी जाना हो टैक्सीज मिल जाती है। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह इन सीढ़ियों से ऊपर है। मेरे चैनल में वीडियो आप वहाँ से देख लीजिए, वहाँ आपको दिख जाएंगी। अब बात करूँ यहाँ पर टैक्सी स्टैंड की, तो ये छोटा सा यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी। तो आफ्टर देख सकते हैं ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा आपको। और बात करो अगर यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर या फिर जनरल टिकट, तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको जनरल टिकट या रिजर्वेशन काउंटर सामने है, वहाँ से आप टिकट वगैरह रेल की बुक कर सकते हैं। और ये इसी के पीछे जहाँ पर आपको टैक्सीज वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ से आप टैक्सीज वगैरह ले सकते हैं नैनीताल के लिए। अब जो कॉस्टिंग की बात करूँ यहाँ पर जो अप्रॉक्स कॉस्टिंग है सीजन के हिसाब से, जब आपका पीक सीजन रहता है तो उस समय रेट हर टूरिस्ट प्लेस में ज़्यादा मिलेंगे आपको, और जब थोड़ा नॉर्मल सीजन रहता है तो उसमें अलग मिलेंगे। तो काठगोदाम और हल्द्वानी दो टैक्सी स्टैंड है और बस स्टैंड भी दो है। तो काठगोदाम जो टैक्सी स्टैंड दिख रहा है, अगर आप यहाँ से टैक्सी लेते हैं नैनीताल के लिए, अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं जैसे आपका वैगनार हो गया या छोटी गाड़ी, तो आपसे 250 या 200 रुपये पर पैसेंजर लेगा, आपको नैनीताल उतार देगा। और इस सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सी स्टैंड का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम बंद रहता है। तो मतलब आपको बता दूँ जैसे काठगोदाम आप उतरते हैं तो यहाँ पर आपको 250, अगर आपने पूरी टैक्सी बुक करनी है वैगनार तो एक तरफ का चार्ज आपको 1200 रुपये। अगर आप बोलते हैं कि पूरे दिन की टैक्सी बुक करनी है भैया आपने हमें नैनीताल घुमा के लाना है, तो अप्रोक्स 2000 से लेके 2500 के बीच में आपको हैचबैक मिल जाएगी, जैसे वैगनार हो गया, उसके बाद स्विफ्ट हो गया, बलिनो हो गया। और जो दोबारा बता दूँ जो रेट्स हैं, 250 रुपये पर पैसेंजर है शेयरिंग टैक्सी में। अगर आप सिंगल साइड ले जाते हैं पूरी बुकिंग करके तो 1200 रुपये। अगर आप उनको बोलते हैं कि भैया हमें घुमा के वापस यहीं छोड़ना है, तो 2000 से 2400 रुपये के बीच आपको टैक्सी मिल जाएगी नॉन पीक सीज़न में। जब पीक सीज़न होगा टैक्सी की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो वहाँ पर ये जो प्राइस वगैरह है वरी करते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर आप सामने जो दिखाई दे रहा है टैक्सीज वगैरह यहाँ पर आ रही हैं। अब बात करूँ यहाँ पर जो हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन में बहुत से लोगों के कमेंट थे, हल्द्वानी और काठगोदाम में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन हल्द्वानी के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से मेन रोड आने में अप्रोक्स आपको 2 किलोमीटर के आसपास पड़ना पड़ेगा, डेढ़ डेढ़ से लेके 2 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा। लेकिन काठगोदाम में जैसे ही आप बाहर निकले तो आपको टैक्सी स्टैंड मिल गया, और यहाँ से आप अगर 100 मीटर जाएंगे तो मेन आपको हाईवे मिल जाएगा, जहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ से आप हल्द्वानी जा सकते हैं। और बात करो जो यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी है, ये आपको 12 बजे के आसपास तक मिलती है, 12 बजे बाद थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम है, बाकी आप बुकिंग के लिए टैक्सी वगैरह करेंगे तो वो मिल जाएंगे। और ये देखिए मेरे तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे, उन कमेंट के ऊपर ही मैं काठगोदाम के रेलवे स्टेशन की आपको दिखाई दे रहा हूँ वीडियो। और किसी का अगर कुछ कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी यहाँ पर कर सकता है। देन आई विल एश्योरिंग यू हाउ मच इन्फॉर्मेशन आई एम हैविंग, आई विल डेफिनेटली गिव दो एक्यूरेट इन्फो। और ये सामने आपको दोबारा दिखा दूँ, देखिए ये आपको रिजर्वेशन काउंटर और जनरल काउंटर है जहाँ से आप टिकट्स वगैरह ले लेते हैं। अब ये देखिए मैं थोड़ा सा आगे आके आपको दिखा रहा हूँ, और सामने आपको रिजर्वेशन काउंटर हो गया, और सामने वो देखिए जहाँ लाल बोर्ड दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर का, वो आपका मेन रोड हो गया, वहाँ आपको दिखाई दे रही होगी गाड़ी चलते हुए। अभी मैं आपको मेन रोड की तरफ ले जाता हूँ, तो आपका 200 मीटर इस रेलवे स्टेशन से वो सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये आपका दिखाई दे रहा है रिजर्वेशन काउंटर। और अगर रोड में जाए तो रोड आपको पड़ेगी 200 मीटर के आसपास, देखिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ रोड को, और 200 मीटर के आसपास जाते ही आपका मेन रोड आ जाएगा। अब बात करूँ यहाँ के जो बस स्टेशन है,
इस रोड में अगर आप 400 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका बस स्टैंड भी वहाँ पड़ेगा, वहाँ से भी बसेस वगैरह मिल जाती है, लेकिन बसेस की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 घंटे बाद जाएगी, 2 घंटे बाद जाएगी। अगर हल्द्वानी से भी कोई बस आ रही है तो यहीं से होते हुए जाएगी, रोड ही यही है। लेकिन कई कबार ऐसा होता है कि बसेस वगैरह फुल होती हैं, तो फिर हल्द्वानी जो है बड़ा आपको बस स्टैंड भी मिलेगा, और वहाँ पर आपको टैक्सी स्टैंड भी यहाँ काठगोदाम के हिसाब से बड़ा है। और ये देखिए सामने आपको टैक्सीज वगैरह जा रही है नीचे, और ये यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा सा आगे जाके 400 मीटर इसी रोड में बस स्टैंड है, पीला जो आपको मकान दिखाई दे रहा है इसके पीछे। तो इस तरीके का ये काठगोदाम का आपको दिखाई दे रहा होगा रेलवे स्टेशन। और बाहर मैंने कोशिश की है कि बस स्टैंड वगैरह भी दिखा दूँ आपको, ये बसेस वगैरह आपको जाते हुए दिखाई दे रही होंगी, और ये अंदर की तरफ से ये बसेस वगैरह आ रही हैं। आसपास होटल्स वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे, ये बड़ी जो बिल्डिंग है ये होटल ही दिखाई दे रही है आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पर बस आ रही है, उसके पीछे होटल सत्यार्थ करके दिखाई दे रही है। और ये बसेस आप देख सकते हैं हल्द्वानी से आ रही है। अभी मैं आपको हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड दिखाता हूँ। अब देखिए जब आप काठगोदाम से अगर आएंगे हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड, तो आपका ये लेफ्ट हैंड में पड़ेगा। तो ये मार्केट गया था मैं नीचे आ तक, तो वीडियो शूट नहीं कर पाया था। ये तिकोनिया चौराहा है, आर्मी जो कैंप PBS के राइट में है, तो यहाँ से टैक्सी स्टैंड शुरू हो जाता है। डिस्टेंस करूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन से हल्द्वानी का टैक्सी स्टैंड अप्रोक्स 6 किलोमीटर है, जो आपसे शेयरिंग ऑटो वाले दिखाई दे रहे होंगे हर आपको पीछे पीछे आ रहे हैं, ये आपसे 20 रुपये लेगा शेयरिंग आप अगर करते हैं। और अगर आप ई रिक्शा वगैरह करते हैं तो वो आपसे 60-70 रुपये में आपको यहाँ पर छोड़ देगा बुकिंग करके आते हैं। तो ये देख सकते हैं रोड के दोनों साइड टैक्सीज वगैरह लगी हुई हैं, तो यही हल्द्वानी का टैक्सी स्टैंड है। जो रेट्स वगैरह हैं 250 रुपये आपको नैनीताल के, उसके बाद से आपको 1200 रुपये सिंगल साइड, और 2000 से 2400 के बीच में आपको यहाँ पर टैक्सी वगैरह बुक करके मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये टैक्सी स्टैंड आपको दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड में, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं नैनीताल का टूर कराऊंगा आपको, और नैनीताल बताऊंगा आपको क्या क्या घूमने वाली जगह है। तो आप पक्का मुझे कमेंट बॉक्स में करिए अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, वीडियो वगैरह डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।